दोस्तों काफी ट्रेडर मुझे व्हाट्सएप पर अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, तो मैं देख के सरप्राइज हो जाता हूँ कि उनके पोर्टफोलियो में अगर उनके पास 20 स्टॉक्स हैं तो 20 में से तो 15 स्टॉक्स उनके पास पैनिक स्टॉक्स ही भरे होते हैं, या फिर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप देखोगे कि मार्केट अभी मार्च में, जो लास्ट 2020 में मार्केट एक डाउनफॉल आया था और मार्केट कहाँ से कहाँ गई है, लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अच्छे नहीं है तो आप देखोगे कि वो स्टॉक्स वहीं के वहीं घूम रहे हैं, मार्केट चाहे कहीं भी चले जाए। तो हमें ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने होते हैं कि अगर मार्केट में तेजी आए तो हमारे स्टॉक्स में भी उससे ज्यादा तेजी आए। ऐसे स्टॉक्स नहीं रखने कि मार्केट में तो तेजी आए लेकिन स्टॉक्स में वहीं के वहीं रहे। यह जरूर होता है कि जब भी मार्केट में अगर गिरावट आती है या करेक्शन आती है तो वो स्टॉक्स गिर जाते हैं, लेकिन वही चांस होता है, वही मौका होता है कि अच्छे स्टॉक्स को गिरी हुई मार्केट में या जब शेयर वो गिरे होते हैं तब अच्छे स्टॉक्स आपने लेने होते हैं, लेकिन आप उस टाइम अच्छे स्टॉक की बजाय ऐसे फंडामेंटल खराब वाले स्टॉक ले लेते हो जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग उतने फास्ट मूव नहीं करते। दोस्तों जैसे किसी भी टीम को फाइनल करने के लिए, जो अगर आप क्रिकेट की नॉलेज रखते हो या किसी दूसरी टीम की, तो आप देखोगे कि क्रिकेट में 11 बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाने पड़ते हैं, लेकिन अगर बात करें किसी इवेंट में या वर्ल्ड कप के लिए, जैसे अभी वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में होना है 2021 में इंडिया में, तो उसकी अगर टीम ने तैयारी करनी है तो वो अपने आज से ही वो प्लेयर सर्च करने स्टार्ट करते हैं, मीन्स उन पे टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो 25 से 30 में प्लेयर में से अपने बेस्ट 11 वहां पर सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पर 11 सॉरी बेस्ट 15 की टीम बनती है, लेकिन जो मैदान में उतरते हैं वो 11 ही स्टॉक्स उतरते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आज हम भी ऐसे ही, मैं आपके साथ 20-25 स्टॉक्स शेयर करूंगा, लेकिन मैं जो बेस्ट आपको बताऊंगा वो बेस्ट मैं आपके साथ 11 शेयर करूंगा, बाकी मैं आपके साथ वहां पर शेयर करता रहूंगा। मीन्स मैं एक स्टॉक आपको चार्ट दिखाऊंगा बट उसके साथ ही उसके सेक्टर के मैं आपके साथ दो तीन स्टॉक्स शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्किप करके मत सुने, मैं चार्ट पर सिर्फ आपको एक स्टॉक दिखाई देगा लेकिन उसके साथ मैं दूसरे स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ऐसा नहीं है कि वीडियो के एंड में आपको मेरी सिर्फ एक बेस्ट 11 की आपके साथ आपको शो करेगी कि बेस्ट 11 ये स्टॉक है, तो इसलिए वीडियो को अगर आप पूरा सुनोगे तभी आपको मेरे बेस्ट 11 स्टॉक्स पता चलेंगे। और मेरी आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर डिस्कस करूंगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अकॉर्डिंग टू यू कि आपके हिसाब से बेस्ट 11 स्टॉक्स कौन से होने चाहिए, या उसमें आप अपने भी स्टॉक्स ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बेस्ट 11 स्टॉक्स कौन से होने चाहिए। और दोस्तों जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, कि 1 वीक 2 वीक 1 मंथ के लिए नहीं, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का नजर रखना पड़ेगा, मिनिमम 1 साल से 3 साल के लिए। तो चलिए आज हम 2021 के लिए अपने बेस्ट 11 स्टॉक्स फाइनल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल शर्मा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो दोस्तों पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए। दोस्तों मैं आपके साथ आज screener.in की वेबसाइट पर सारे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, यहीं पर चार्ट भी डिस्कस करूंगा और बेसिक फंडामेंटल भी डिस्कस करूंगा। जैसे क्रिकेट टीम में ओपनिंग के जो बैट्समैन होते हैं वो अच्छे फॉर्म में होने चाहिए, जो लगातार रन बनाए और एक लंबी इनिंग खेले, तो ऐसे दोस्तों लॉरस लैब भी एक ऐसा स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये देखिए अब जून जून 2020 से ये स्टॉक्स ऐसे वन साइड मूवमेंट दे रहा है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 270 के लेवल पर भी इन लेवलों के पास यहाँ पर रिकमेंड किया था, और वहां से भी स्टॉक्स 350 आ गया है। तो इस स्टॉक्स में जब भी आपको ये गिरावट दिखाई दे तो आप इसको जरूर बाय कीजिए, ये इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर मैं 200 डेज की भी लगा देता हूँ। ये देखिए 200 डेज का इसका एक मेजर सपोर्ट 200 लेवल के पास ही है। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट तो 2000 प्लस का रहेगा, लेकिन 1 से 2 3 साल में आप देखोगे कि इसमें 1000 का भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा, और कंपनी का यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, जो कंपनी के रिजल्ट है
वो हमें एक्सपेक्टेड ये है कि वो अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये देखिए ये जून 2020 जब से ये कोरोना आया है उसके बाद से ये स्टॉक्स लगातार अपसाइड में जा रहा है, क्योंकि इनका लैब्स और रिसर्च का काम है। प्रॉफिट यहाँ पर देखिए कि क्वार्टरली प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए कि 15, 57, 73, 110, 172, 242 तो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टॉक्स को मिस मत कीजिए, ये आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, और गिरावट मिलती है तो गिरावट में और भी ऐड कीजिए। दोस्तों इसी के साथ का एक स्टॉक कोर्स भी है डीवीज लैब, ये स्टॉक्स भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो दोनों में से एक को आपको बोलूंगा कि लोरस लैब या डीवी लैब, दोनों में से एक को अपने प्लेइंग इलेवन में रखिए, क्योंकि देखिए दोनों चलेंगे तो दोनों ही भागेंगे, अगर डाउनफॉल आएगा तो दोनों में आएगा। लेकिन डीवीज लैब का पोर्टफोलियो तो सॉरी मार्केट कैप ज्यादा है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसके कंपेरिजन में यहां पर लूपिन भी है, और यहां पर आप देखिए कि आरती ड्रग्स भी अच्छा स्टॉक्स है। तो इन स्टॉक्स को भी आप फोकस में रखिए 2021 के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको एक और भी मैं लर्निंग बता देता हूं कि जब कोई स्टॉक्स या कोई सेक्टर चलने लगता है तो वो लगातार ही वो फिर वो सारा सेक्टर चलना लगता है। तो इसलिए आपके जो बाकी एक स्टॉक चलता है उसके उसी सेक्टर के जो बाकी स्टॉक्स है उन पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि फिर उस टाइम आपको पैनिक स्टॉक्स या दूसरे बेकार फंडामेंटल वाले ऐड नहीं कर रहे, उसी सेक्टर के उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये जो अभी मैंने तीन चार आपके साथ डिस्कस किए इनमें से मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस लॉरस लैब रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो में आपको इतने बेहतरीन स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आप रिसर्च करने पर भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई आपको सिर्फ वही नहीं कि बस 5-7 जो निफ्टी 50 के टॉप 10 शेयर हैं वो नहीं बताऊंगा, उससे बिल्कुल हटके आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरा मेरा ओपनिंग का स्टॉक्स है थायरो कोर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये भी अभी मैंने न्यू ईयर पे वहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था कि इस स्टॉक्स को बाय कीजिए, और वहां पर मैंने स्टॉप लॉस भी बताया था कि स्टॉप लॉस 700 का स्टॉप लॉस है, 700 के नीचे अगर जाता है तब फिर इसमें से एग्जिट होंगे। लेकिन इसके साथ के अगर स्टॉक्स की बात करें तो आप अपने पोर्टफोलियो में अपोलो हॉस्पिटल या मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी ऐड कर सकते हैं, तो इन तीनों में से एक स्टॉक्स आप जरूर रखिए। मेरी प्रेफरेंस थायरो कोर की इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ने रिसेंटली अपना स्टेक इंक्रीज किया है, और स्टॉक भी यहाँ पर एक नीचे से बॉटम से यहाँ पर इसमें गिरावट आई थी, और यहाँ से लग रहा है कि ये वापस द्वारा अब ट्रेंड में चलना स्टार्ट होगा। ये मैंने टेलीग्राम में भी 900-920 के प्राइस पर शेयर किया था, और यहाँ पर आज इसकी क्लोजिंग 938 की है। बट आप अगर सेफ भी बिल्कुल सेफ करना चाहते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल भी एक अच्छा यहाँ पर विकल्प है। तीसरा स्टॉक्स दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नंबर तीन पर मैरिको लिमिटेड। तो मैरिको लिमिटेड भी एक अच्छा स्टॉक्स है, लगातार अब ट्रेंड में चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये गिरावट में गिरा था मार्च में और 240 के लेवल, उसके बाद से कॉन्टिन्यू थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन गिरावट ये देखिए यहाँ पर भी 340 के लेवल पर भी इसमें बाइंग का लेवल बना था। तो ये जब भी स्टॉक दोस्तों ये 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आएगा यहाँ पर इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ का स्टॉक्स है ITC, उन उस पर भी नजर रखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी नजर रखिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC भी एक अच्छे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ITC भी मैंने अभी हाल ही में शॉर्ट टर्म के लिए भी टारगेट दिए हुए हैं, उसमें अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, तो वो 200 के लेवल 208-10 के लेवल पे दिया था और 217-18 के प्राइस तक गया था वो, लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म के उसमें टारगेट दिए हुए हैं। तो ITC पर भी नजर रखिए और हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी रखिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखोगे कि मार्च में इतना बड़ा डाउनफॉल आएगा, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक्स नीचे नहीं गिरा, बिल्कुल मामूली सी उसमें गिरावट आई और स्टॉक स्लो मूवमेंट में चलता चलता अपसाइड में चल रहा है। तो क्योंकि दोस्तों जो प्रोडक्ट आप अपने घर में आसपास देखते हो उन पर आपकी नजर हमेशा रहनी चाहिए, जैसे मैरिको के जो प्रोडक्ट होते हैं इनके तेल घी जो भी है, और ITC के भी आप प्रोडक्ट देखते हो, और जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप सर्फ साबुन सोप ये अपने घर में देखते हो, तो ये आप देखते हो कि इनका यूजेस डेली होता है, तो जिन
जिन प्रोडक्ट का डेली यूज होता है वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होने चाहिए, लाइफ टाइम होने चाहिए। इसके साथ जैसे आप यहाँ पर कोलगेट के स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे ये जो सारे FMCG के स्टॉक्स हैं इनमें से मैं मेरिको को प्रेफर दूंगा, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में कॉन्टिन्यू स्टॉक्स चल रहा है। ITC अभी स्लो मूवमेंट है और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी स्लो मूवमेंट है। जब उनमें मूवमेंट तेज हो जाएगी तो मैं उनको भी ऐड कर लूंगा। दोस्तों मेरी चौथी पिक्स है, फोर्थ का स्टॉक्स है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड एस। इसका सिंबल नेम है NSE BSE, दोनों पर लिस्टेड है ये स्टॉक। दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर 70 के प्राइस से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और आज की डेट में 143 हो गया है। और रिसेंटली आप देखोगे कि इसमें दोबारा फिर से एक ब्रेकआउट आया है अपने स्ने और लेकिन इसका अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 184 इसने पहले हाई बनाया था 2018 में। तो ये उन लेवलों को जरूर टच करेगा और लगातार ये ट्रेंड में चलता जा रहा है। 1 ईयर का आप चार्ट देख सकते हो कि ये देखिए कैसे कैसे यहाँ पर चल रहा है। गिरावट मिलेगी अगर 100 के लेवल पर मिलता है तो वहां पर भी इसको ऐड कीजिए। आप इसका एनुअली बेस पर यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो कि कहाँ ये 7 और 5, 7 इसका ये यहाँ पर प्रॉफिट आता था, लेकिन अभी देखोगे कि लास्ट के 2-3 साल से ही देखिए कि 15 के बाद जम मारा 52, 56। तो और यहाँ पर प्रमोटर ने भी अपना स्टेक्स काफी इंक्रीज किया है। पहले जून के क्वार्टर में था 72.43 और अभी 73% हो चुका है। इस स्टॉक्स में भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी न्यूज आएगी, इसलिए यहाँ पर प्रमोटर अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर दोस्तों बिल्कुल आप एक निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक चाहते हैं, सेफ बैठ चाहते हैं, तो LNT भी एक सेफ बेट है। बट अगर आपको फास्ट और तेजी से आपको रिटर्न चाहिए तो एस मेरी प्रेफर में रहेगा। तो मैंने अभी तक चार अपनी प्रेफरेंस बता दी हैं। दोस्तों पांचवा स्टॉक्स है पन्मा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। मैंने दोस्तों ये स्टॉक्स भी काफी बार टेलीग्राम चैनल पर रिकमेंड किया है। तो ये देखिए डेट फ्री कंपनी है और यहाँ भी प्रमोटर स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं और रिजल्ट भी अभी आप देखोगे कि सितंबर में भी देखिए कि रिजल्ट क्वार्टर रिजल्ट काफी इंक्रीज हुए हैं, जो कि पहले किसी भी क्वार्टर रिजल्ट में इतना प्रॉफिट नहीं आया। और इसी सेक्टर के आप देखोगे कि सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, ये मैंने अभी 6 to 8 month पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर 180 के लेवल पर दिया था और टारगेट मैंने इसमें दिए थे 350+। तो यहाँ देखिए ये टारगेट अचीव हो चुके हैं विद इन 6 to 8 month। तो ये देखिए 180 के लेवल पर दिया था और 363, इसी सेक्टर का ये स्टॉक्स है। तो ये सुप्रीम पेट्रोकेमिकल को भी आप जब गिरावट मिले आप ऐड कर सकते हो। और दोस्तों ये देखिए इनका भी बिजनेस प्रोफाइल, मल्टीपल बिजनेस प्रोडक्ट प्रोफाइल है कि इनका प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, रबर, फार्मा, कॉस्मेटिक, पावर। तो ये देखिए एक मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी है। ऐसे ही एक मल्टीपल भी आप बेट लगा सकते हो SRF पर। पर दोस्तों SRF आप देखोगे कि अभी लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, तो जब भी इसमें गिरावट मिलेगी मैं जरूर ऐड करूंगा। खास तौर पर जब ये 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास आएगा 5,000 के आसपास, तब मैं इसमें एक स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करूंगा। और जब ये 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास आएगा वहां भी मैं ऐड करूंगा। तो SRF को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, जब भी इसमें बड़ी गिरावट मिले इसको जरूर ऐड कीजिए। ये देखिए 3 साल के अंदर स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। मैं आपको 3 ईयर का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 2018 में ये देखिए 1600 का स्टॉक था 2 जून जुलाई 2018 में, और 1600 से देखिए ये 5500 तक पहुंच गया है। तो अभी तो बिल्कुल टॉप पर चल रहा है, टॉप पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि नीचे के लेवल पर बाई कीजिए। तो इसलिए मैंने पन्मा पेट्रोकेमिकल आपके साथ शेयर किया है। उसका अभी प्राइस 100 के पास है, तो वो आप 150, 200+ के टारगेट देख सकते हो, क्योंकि उसका लाइफ टाइम हाई 240 के पास बना था। दोस्तों अभी तक मैंने 5 अपनी प्रेफरेंस आपको बता दी। छठा स्टॉक्स होगा दोस्तों बिरला सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये स्टॉक्स भी देखिए लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। ये देखिए अभी भी इसने जम मारा है, तो अभी तो ये थोड़ा काफी ऊपर है मैक्सिमम, लेकिन आप देखोगे चार्ट इसका तो यहाँ पर चार्ट नहीं आ रहा इसका मैक्सिमम। तो ये फिर भी देखिए आप 250 के लेवल के पास चल रहा है। तो इसमें भी आप जब भी आपको करेक्शन मिले ये 50 डेज और 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास आए तो इसको जरूर ऐड कीजिए। ये IT सेक्टर का स्टॉक्स है, डेब्ट फ्री कंपनी है और डिविडेंड भी देखिए कंपनी अच्छा देती है। लेकिन अगर इसी सेक्टर में आप और भी सॉफ्टवेयर कंपनी या फिर IT सेक्टर को जोड़ना चाहते हो तो जैसे विप्रो हो गया, आपके पास इंफोसिस हो गया, SCL टेक हो गया,
और एक स्टॉक्स है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, दिग्गज इन्वेस्टर कैश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो का स्टॉक्स है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो दोस्तों। मैं इसलिए आपको सेक्टर वाइज सारे ही अलग अलग स्टॉक्स इसलिए बता रहा हूँ सेक्टर वाइज, क्योंकि आपने सारे सेक्टर के आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 1-2 महीने 1-2 मंथ एक सेक्टर में मूवमेंट आती है, अगले मंथ में दूसरे सेक्टर में आती है, फिर तीसरे में, ये नहीं पता होता कि कब कौन से सेक्टर में एकदम से तेजी स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आपके पास सारे सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए। तो आईटी सेक्टर अभी काफी मजबूत है, मार्केट में गिरावट आई लेकिन आईटी सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट आई और फिर से इसमें अब मूव स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको कहूंगा कि आईटी सेक्टर के भी स्टॉक्स आपके पास, अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो 2-3 स्टॉक्स वो आईटी सेक्टर के जरूर होने चाहिए। इसमें से जैसे आप लार्जन एंड टर्बो इन्फोटेक को भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। अगर आप सेक्टर वाइज स्टॉक्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्क्रीनर इसमें स्क्रीनर पर क्लिक कीजिए और ये देखिए कि सेक्टर वाइज आप सारे स्टॉक्स यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने आईटी सेक्टर का भी स्टॉक्स निकालने हैं तो ये देखिए यहाँ पर आप निकाल सकते हो। ये देखिए आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी हार्डवेयर, तो आईटी सॉफ्टवेयर पर आप निकालोगे तो ये देखिए टीसीएस, इंफोसिस, एचएल, विक्रो टेक, तो ये सारे काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। तो इनमें से आपके पोर्टफोलियो में टॉप के 2-3 स्टॉक्स जरूर होने चाहिए। जब भी बड़ी गिरावट मिले ऐड जरूर कीजिए, फालतू के बेकार फंडामेंटल के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में मत ऐड कीजिए दोस्तों। अभी एक दो स्टॉक्स काफी तेजी से भाग रहे हैं, अदानी गैस और गुजरात गैस। इन दोनों स्टॉक्स में से एक स्टॉक को जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में, अदानी गैस को। लेकिन अदानी गैस अभी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो मैं ये कहूंगा जब भी इसमें गिरावट आ जाए 300 के लेवल के पास, वहां पर इसमें ऐड करना शुरू कीजिए स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी। क्योंकि ये जब भी गिरावट आती है तो गिरावट इसमें बड़ी फास्ट आती है, तो इसलिए इसमें कैपिटल कम लगाएं, कैपिटल कम लगाएं, क्योंकि जब गिरावट मिलेगी, बड़ी गिरावट मिलेगी, तो वहां पर फिर स्टॉक्स को इसमें अपनी क्वांटिटी को ऐड कीजिए। और साथ में इसके कंपटीशन में गुजरात गैस भी है, वहां पर भी आप नजर बनाए रख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 8वें सेक्टर की पिक होगी जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। ये मेरी प्रेफरेंस रहेगी, लेकिन इसी सेक्टर के आप देख सकते हैं कि काफी स्टॉक्स हैं, क्यों इसमें प्रेफरेंस ली क्योंकि उन्होंने डेप्ट भी रिड्यूस किया है और काफी अभी लास्ट 2 आई थिंक क्वार्टर में इन्होंने अपने, यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्च में के क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज किया था। और यहां पर आप देखिए कि डीआईज ने भी लास्ट के क्वार्टर में देखिए सीधा ही 3-4% यहां पर स्टेक इंक्रीज किया है। और क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हैं कि मार्च में आप देख सकते हो यहां पर 49 थे और यहां पर 90, अप्रोक्सीमेट डबल प्रॉफिट हुआ यहां पर सितंबर के क्वार्टर में। स्टॉक्स यहां पर और भी काफी हैं, जो टॉप की कंपनी अल्ट्रा सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, तो यहां पर मेरी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी जे के लक्ष्मी सीमेंट दोस्तों। 9वें सेक्टर का नोमा मेरा स्टॉक्स होगा, 9th स्टॉक होगा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में दोस्तों मार्च में गिरावट आई, लेकिन मार्केट में गिरावट आई, बर्जर पेंट में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई। और इसका चार्ट देखिए कैसे ये वन साइडेड चलता रहता है, तो इसमें भी जब 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आए इसको ऐड कीजिए। अभी इसका 750 के पास प्राइस चल रहा है और फिर इसमें 500, 550 के पास भी ऐड कीजिए। 550 के पास आता है तो इसमें क्वांटिटी और भी ज्यादा ऐड कर लीजिए। इसी सेक्टर के दोस्तों स्टॉक्स हैं यहाँ पर, एशियन पेंट भी है नंबर 1 यहाँ पर स्टॉक्स है। और तो एशियन पेंट को भी अगर आपके पास ऐड करना चाहे गिरावट में, तो उसको भी आप लॉन्ग टाइम के लिए ऐड कर सकते हो। तो बर्जर पेंट और एशियन पेंट और पीडी लाइट, इन तीनों में से एक स्टॉक जरूर होना चाहिए। बर्जर पेंट में इसलिए क्योंकि इसका प्राइस भी कम है, तो आप क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ले सकते हो, मार्केट कैप भी अच्छा ऐसा नहीं है। और एशियन पेंट को भी मैं जरूर ऐड करूंगा अगर उस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आएगी तब। दोस्तों 10th स्टॉक की पिक रहेगी कैनकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ये मैंने देखिए अभी ही एक दिन पहले ही यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको रिकमेंड किया था कि मेरी न्यू ईयर से मेरी तरफ से यहाँ पर गिफ्ट है। तो ये स्टॉक्स मैंने देखिए लेवल आपको 440-460 के लेवल, 460 के लेवल के पास रिकमेंड किया था, और 2 दिन के अंदर ही ये इसने अभी हाई यहाँ पर बना के आया था 535 के पास। तो 2 दिन के अंदर ही आप देख सकते हो कि 90 के प्लस यहाँ पर
पॉइंट मिल गए 2 दिन के अंदर ही। तो इस स्टॉक को भी जरूर फोकस में रखिए, क्योंकि ये स्टॉक एक नीचे यहाँ पर काफी समय से एक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में रहा या कंसोलिडेट रहा, और अब ये स्टॉक द्वारा चढ़ना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग अभी थोड़ा समय पहले ही हुई थी। और आप देख सकते हो कि इसी सेक्टर के दूसरे जो स्टॉक्स हैं, जैसे आरती इंडस्ट्री भी एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पिक है, टाटा केमिकल भी अच्छी पिक है, उसमें अभी हाल ही में काफी बड़ी तेजी आई थी क्योंकि प्रमोटर ने स्टेक काफी इंक्रीज ज्यादा किया था, और विनाती ऑर्गेनिक भी, दीपक नाइट्राइट, ये सारे ही दोस्तों स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। इनमें से आप अपने दो तीन स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें दीपक नाइट्राइट को भी जरूर ऐड कीजिए और आरती इंडस्ट्री को भी ऐड जरूर कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल सेफ और लॉन्ग टाइम के लिए इनमें एक अच्छी रिटर्न चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो सेक्टर है केमिकल, स्पेशल केमिकल का, ये हमेशा ही यहाँ पर परफॉर्म करता रहता है। जब कभी भी एक गिरावट आती है या फिर एक रेंज में चलता है, लेकिन जब चलना स्टार्ट होता है तब फिर वन साइडेड मूवमेंट देता है। तो इसलिए इस स्टॉक के, इस सेक्टर के आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक जरूर होना चाहिए। जब ये स्टॉक चलना स्टार्ट हो तो इसमें दो तीन और ऐड कर लीजिए। दोस्तों मैं एक आपको बात बताना भूल गया था कि अगर आपने, जो भी मैंने स्टॉक्स आपके साथ अभी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने वो स्किप करके देखे या नोट नहीं किए, तो दोबारा वीडियो को सुन लीजिए स्टार्टिंग से और डायरी पर नोट कीजिए, तभी आप, जो मैंने आपको कहा था कि आप बेस्ट 11 स्टॉक्स फाइनल कर पाओगे, तो वो तभी कर पाओगे अगर आपने डायरी में नोट किया होगा। तो डायरी में सारे स्टॉक्स जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो डायरी में नोट कीजिए, तभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना बेस्ट 11 स्टॉक्स बता पाओगे। और जो दोस्तों बेस्ट 11 स्टॉक्स मुझे अच्छे लगेंगे, कि जिस भी अच्छा लगेगा जिसका मुझे वो पोर्टफोलियो 11 स्टॉक्स का, तो मैं उसको लाइक भी दूंगा और कितने परसेंट मैं उसको वहां पर भी मैंशन जरूर कर दूंगा कि कितने परसेंट आपका ये पोर्टफोलियो अच्छा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप अपनी तरफ से भी, जो मैं आपने आपको स्टॉक बताए उनमें से आप अपनी तरफ से भी उसमें ऐड कर सकते हो स्टॉक्स, और जो मैंने आपको सेक्टर वाइज कई स्टॉक्स बताए हैं उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों अगर हम सिर्फ 11 ही स्टॉक्स लेने हैं तो 11 स्टॉक्स पर काफी पिक है, जैसे टाटा मोटर लिमिटेड, रूपा इंडस्ट्रीज, वर्धमान टेक्सटाइल, क्योंकि जैसे अगर टेक्सटाइल भी आजकल स्टॉक्स काफी चल रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए कि आप रूपा को भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए स्टॉक्स कैसे वन साइडेड चल रहा है, गिरावट आती है, गिरावट के बाद फिर चलता है, और मार्केट कैप इसका करीब 2500 के करोड़ के करीब है, और वर्धमान टेक्सटाइल भी एक अच्छी पिक है। ये देखिए यहाँ पर वर्धमान टेक्सटाइल भी कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफी समय रहा और उसके बाद से फिर ये कैसे वन साइडेड मूवमेंट चल रही है। तो ये स्टॉक थोड़े से रिस्की होते हैं, क्योंकि जब गिरावट आती है तो जैसे एक वन साइडेड आती है और अपसाइड में मूव भी आता है। और इसके साथ अगर आपने निफ्टी फिफ्टी के रिलायंस को भी, स्टॉक्स को भी, लेकिन उसमें गिरावट में ही ऐड कीजिए, कभी भी उसके लाइफ टाइम हाई पर कभी ऐड मत कीजिए, जब उसमें बड़ी गिरावट हो रिलायंस में तब उसको ऐड कीजिए। और ऐसे ही बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, जब भी बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि उनमें गिरावट आती है तो बड़ी, जब मार्केट गिरती है तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर ये स्टॉक बड़ी तेजी से गिरते हैं, तो जब भी इनमें बड़ी गिरावट हो तभी ऐड कीजिए, अभी करंट मार्केट प्राइस पर नहीं कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं। और दोस्तों एक फूड कंपनी का जुबिलेंट फूड, वो स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको प्लेइंग 11 के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने देखिए देखा प्लेइंग 15 भी रखने हैं तो 15 भी रख सकते हो, क्योंकि जुबिलेंट फूड भी एक अच्छा स्टॉक्स है। क्योंकि आप देखोगे कि जब हम 15 की टीम बनाते हैं तो 15 तो ऑलरेडी होते हैं, और जब 11 के टीम होती है तो 11 के 11 प्लेयर परफॉर्म नहीं करते हैं, उसमें से 5 प्लेयर कभी परफॉर्म करते हैं तो 5 प्लेयर कभी परफॉर्म करते हैं। आप ये कभी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सारे के सारे 11 के 11 स्टॉक्स या 15 स्टॉक्स कि वो सारे लगातार चलते रहेंगे, या आपने 20 भी स्टॉक्स रखे हैं आप अपने हिसाब से 20 भी रख सकते हो, 40 स्टॉक भी रख सकते हो, जैसे जैसे मार्केट में या उस सेक्टर वाइज कोई परफॉर्म करता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन ये कभी भी 100% एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपने अगर 20 स्टॉक लिए हैं तो सारे एक टाइम पे चलेंगे, कभी कौन सा स्टॉक चलेगा तो कभी कोई स्टॉक चलेगा। तो ऐसे जुबिलेंट फूड वर्क भी दोस्तों एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए।
आज से ऐड करना है तो आज से एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड कीजिए, लेकिन गिरावट जरूर देता है ये, साल में एक बार जरूर गिरावट देता है। जब भी गिरावट मिले इसमें जरूर ऐड कीजिए, वहां पर इसमें आंख बंद कर ऐड कर लीजिए। ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास तो इसको जरूर ऐड कीजिए। जैसे 2000 के लेवल है वहां पर तो मिस मत करना इसको। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि जैसे पिज्जा वगैरह जो आप खाते हो तो ये वही कंपनी है, तो ये देखिए इसके कंपटीशन में भी कंपनी नहीं है। और दोस्तों आने वाले समय के लिए जैसे मैंने आपको IRCTC बताया, PVR बताया, इंडिको बताया, ये जो तीनों स्टॉक्स हैं, तो ये स्टॉक्स में तेजी जब आएगी जब यहाँ पर कोरोना का सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी ये स्टॉक एक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, गिरा हुआ है, तो इसमें अभी स्मॉल क्वांटिटी के साथ ऐड कीजिए, ज्यादा क्वांटिटी मत लगाइए, क्योंकि ये डेब्ट फ्री कंपनी है, अच्छा प्रोफाइल है, कंपटीशन में कोई नहीं है। तो IRCTC भी जरूर होना चाहिए। जब वैक्सीन आ जाएगी तो लोगों का डर खत्म होगा, रेलवे सारी रेलवे चलेंगी, लोग ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। और ऐसे ही PVR भी, जब वैक्सीन का और कोरोना का ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, मीन्स वैक्सीन आ जाएगी और कोरोना खत्म होगा, तो लोग द्वारा थिएटर में जाकर मूवी देखना स्टार्ट करोगे, तो PVR को भी नजर में रखिए गिरावट के टाइम पर। अभी स्टॉक्स काफी गिरा हुआ है, तो ऐसे ही गिरावट के दौर में IRCTC, PVR, इंडिगो, ये आपके इन तीनों में से एक स्टॉक को आप रख सकते हो। दोस्तों एक स्टॉक और देखिए, जाते जाते एक स्टॉक और आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक देखिए अब ट्रेंड में चलता रहता है, और अभी ये देखिए रिसेंटली इसने 6808 मतलब 6800 का प्राइस के पास जाकर गया, और अभी करंट मार्केट प्राइस 6371 है। तो ये स्टॉक का नाम है अतुल लिमिटेड। ये स्टॉक को भी गिरावट में जरूर एक छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदते रहिए, क्योंकि इसके देखिए दोस्तों मल्टीपल बिजनेस हैं, मल्टीपल बिजनेस हैं, और मार्केट कैप भी यहाँ पर देखिए 20,000 करोड़ के आसपास है। तो अभी जैसे चाइना से जो अब आपने देखा होगा सिस्टम कि जो चाइना से बैन हुआ है कि हमारे इंडिया में सामान आना, जो भी यहाँ पर, तो उसका फायदा इस कंपनी को काफी हुआ है। तो ये स्टॉक को भी जरूर ऐड कीजिए। ये मत देखिए कि इसका प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है तो उतनी क्वांटिटी अब कम बाय कर लीजिए, एक क्वांटिटी बाय कीजिए, दो क्वांटिटी बाय कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने पैनिक स्टॉक को भी ऐड करना है तो देखिए, अगर आप 20 स्टॉक आप टोटल बाय करते हो तो 20 में से आपके पास पैनिक स्टॉक दो तीन या मैक्सिमम तीन चार चार यहाँ पर होने चाहिए। उसके अलावा 16 स्टॉक्स आपके पास एक अच्छे फंडामेंटल बेस वाले स्टॉक होने चाहिए। ऐसे स्टॉक नहीं होने चाहिए कि आपके पास उल्टा होता है कि 15 स्टॉक्स तो पैनिक होते हैं और 5 स्टॉक फंड अच्छे स्टॉक होते हैं, तो आप उल्टा करते हो। अच्छे स्टॉक ज्यादा रखिए और पैनिक स्टॉक सिर्फ दो चार रखिए। तो दोस्तों देखिए एक वीडियो काफी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने आपके साथ काफी स्टॉक शेयर कर दिए, करीब 25-30 स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर दीजिए। तो इनमें से आप अपने बेस्ट 11, बेस्ट 15 आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, और ये सारे ही अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं। कोई भी ऐसा स्टॉक्स नहीं है जो मैंने आपको बेकार बताया। तो जाते जाते एक अब मैं आपको और मेंशन करना भूल गया कि जैसे मोस्टली देखिए बैंकिंग सेक्टर को जरूर ऐड करते हैं, कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो अगर आपने एक प्रेफर पिक लेनी है एक थोड़ा रिस्क लेके, तो येस बैंक को भी ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने 14 के लेवल पर बताया हुआ है, अभी उसका प्राइस 18-19 के पास चल रहा है। लेकिन अगर आपने सेफ बेट लेनी है तो HDFC बैंक को और HDFC को भी, लेकिन अभी वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया, लेकिन अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर ली। जब भी गिरावट आएगी तब उसमें भी आंख बंद कर कर आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कि हमें अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स अपने लॉन्ग टर्म में ऐड करने हैं जो कि परफॉर्म करते हैं और आपको रिटर्न देंगे। तो दोस्तों मैंने काफी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों रिलेटिव रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट 11 या बेस्ट 15 कौन से स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद।